और आज हम बामनी साम्राज्य की जो है बारे में बात करेंगे, और ये भी साम्राज्य का उदय उसी समय हुआ था जब विजयनगर साम्राज्य का आपका उदय हुआ था। साउथ की बात करें तो वहां पे कौन कौन से साम्राज्य थे वो देख लेते हैं। जो छोटे छोटे एकदम थे वो थे आपके, खानदेश था एक, ठीक है, बरार था, ये बीजापुर था, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये बिदर, ये सब जितने थे वो कहाँ से आए थे? वो सब बामनी साम्राज्य जब टूटा था तहे से, टूटने के बाद ये इन सब छोटे छोटे टुकड़े साम्राज्य में बट गया था। वो उसी में से है, बरार है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, ये सब उसी के पार्ट थे। तो पहले हम मेन तो देखेंगे कि कहाँ से टूटा, कब टूटा, उसके बाद से उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है, मैं इसे और थोड़ा आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। अब ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ा दिया है। अब जो लोग नए हो इस प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेना, मैंने काफी डिटेल में बता दिया, जो मेन मेन उसके फैक्ट थे मैंने कवर करा दिया है विजयनगर एम्पायर के। विजयनगर एम्पायर के साथ ही साथ जब दिल्ली में हमारा तुगलक वंश चल रहा था और एमबीटी का शासन काल था, उसी के समय में साउथ में आपका विद्रोह पैदा होता है और दो बड़े बड़े साम्राज्य का जो है जन्म होता है, जिसे एक को हम जानते हैं विजयनगर एम्पायर के नाम से, दूसरा हमारा बामनी साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत ये बामनी साम्राज्य आपका यही था जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकुंडा आते हैं। ठीक, ये टूटने के बाद जो है आपका बामनी साम्राज्य ये इतने भागों में डिवाइड हुआ था, वो हम बात आगे करेंगे इसमें कि कैसे वो टूटा, क्या राजनीतिक कारण थे इसके। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं इसके संस्थापक के बारे में और इसकी शुरुआत कहां से हुई आपकी। तो बात करें दक्कन में, साउथ में आपका एक अमीरान ए सदा नाम का व्यक्ति था। कौन? अमीरान ए सदा। उसने क्या किया, विद्रोह पैदा कर दिया, और विद्रोह पैदा करने के कारण यहाँ पे 1347 में एक सरदार होते हैं जिनका नाम होता है जफर खां, जिसे आप लोग हसन गंगू के नाम से जानते हो। और क्वेश्चन भी यहीं पे पूछता है आपसे कि हसन गंगू का जो है दूसरा नाम क्या था, तो ये भी ध्यान रखो जफर खां। या आपसे पूछे कि बामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन आएगा? अगर जफर खान नहीं है तो हसन गंगू आएंगे। तो 1347 में इसके विद्रोह को दमन करने के लिए ये अपनी सेनाओं के साथ जाते हैं, और वहीं पे ये 1347 में एक बामनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और जिस समय आपका ये इसकी स्थापना होता है 1347 में, उस समय आपके नॉर्थ में बात करें तो वहां पे किसका राज था, एमबीटी का राज था, मतलब कि तुगलक वंश जो है राज कर रहा था आपके दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, उसी समय के जो विद्रोह हुए थे वहीं से आपके उसके समय काल में विजयनगर एम्पायर का जन्म होता है और ये बामनी साम्राज्य का जन्म होता है। तो याद रखना, बामनी साम्राज्य की अगर पूछे कि नींव किसने डाली, तो जफर खां हसन गंगू ने डाली थी। ठीक है, उसने क्या किया, जो वहां पे आपका ये कहां पे है, ये जो कर्नाटक के पास है ये बामनी साम्राज्य, उसी से ऊपर फैला हुआ है, आपका महाराष्ट्र का कुछ पार्ट लिया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट लिया था, वही है आपका। इसने गुलबर्गा जो जगह है आपका कर्नाटक में इस समय वर्तमान में, उसको अपनी ये राजधानी बनाता है और उसका नाम क्या रख देता है, अहसानाबाद रख देता है। क्या रखता है? अहसानाबाद रख देता है। ठीक है, तो आपसे अगर राजधानी पूछे कि बामनी साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो उसकी पहली राजधानी आपकी बनी क्या, गुलबर्गा। अगले बार आगे बढ़ जाते हैं, इसने अपने क्या किए, जो भी जब इसने साम्राज्य स्थापित किया तो साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, एक जो है कैसे सुचारू रूप से सरकार चला जा सकती है, आप उसे कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते हो अभी उत्तर प्रदेश 75 जिलों में डिवाइड है, तो डिवाइड है जिलों में, तो जिलों से हमारा प्रशासन चलता है, इसीलिए एक सुचारू रूप से चल पाता है चीजें, शासन जो है सुचारू रूप से तभी चल पाती है जब हम उसे छोटे छोटे डिवाइड कर देते हैं और वहां पे अपने हम शासकों को नियुक्त कर देते हैं। वैसे ही इसने भी किया, जब एक साम्राज्य स्थापित किया तो एक बड़ा साम्राज्य चलाने में दिक्कत आती है, तो उसने क्या किया, छोटे छोटे प्रांतों में उस साम्राज्य को बांट दिया और वहां पे सूबेदार नियुक्त कर दिया, जिससे वहां का जो शासन प्रणाली है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से
चल सके, तो इसने क्या किया, अपने पूरे साम्राज्य को चार प्रांतों में विभाजित कर दिया, जिसमें से गुलबर्गा था जिसे इसने राजधानी बनाया था, दौलताबाद था, बरार था और बीदर था। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखा दूं फिगर में, तो देखो ये बीदर है, बरार है, ठीक है, दौलताबाद है आपका यहां पे महाराष्ट्र में, ठीक। तो ये आपने चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद से इसने क्या किया, गुलबर्गा के तरफ सबसे महत्वपूर्ण था इसने बीज, क्यों, गुलबर्गा जो था ये सबसे, इसको राजधानी इसीलिए बनाया था कि यहां पे बीजापुर स्थित था, ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा उन सभी में महत्वपूर्ण रखता था। इसने जैसे ही शासन में आया तो सबसे पहला काम क्या किया कि जो साउथ में जजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम पे, ये याद रखना, ये हमेशा किस पे लगता था, नॉन मुस्लिम लोगों पे लगता था जो मुस्लिम नहीं थे, उसको क्या किया इसने बंद करा दिया, उसे जजिया टैक्स ना वसूलने के लिए बोला गया। ठीक ना, आगे बढ़ जाते हैं और शासन के बारे में देख लेते हैं, जो शासक आए इसके बाद, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है इनके सब के बारे में, तो पहले उसके बाद से उनके बाद जो है, जफर खां के बाद आए, हसन गंगू के बाद आपके आए कौन, मोहम्मद शाह प्रथम आए, उसने अपने शासन को मतलब ये भी ठीक ठाक थे शासक, इन्होंने इन्हीं के शासन काल में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो घटना हुई थी, विजयनगर और वारंगल से युद्ध हुआ था। ठीक है, इनके शासन काल में बोला जाए बामनी साम्राज्य का जो है भिड़ गए थे, किससे, विजयनगर और वारंगल से ये लोग भिड़े थे इनके शासन काल में। इस काल में जब ये युद्ध हुआ उसी में बारूद का प्रयोग हमें पहली बार देखने को मिला था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किस समय मिला था देखने को, तो जब ये लोग बामनी साम्राज्य विजयनगर और वारंगल से भिड़ते हैं तो उसी समय बारूद का हमें देखने को मिलता है। और इनके शासन काल में जो आपके सेना नायक होते थे उनको अमीर ए उमरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, अमीर ए उमरा, और उसके बाद के जो उसके नीचे पद होता था उसे बार बरदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बार बरदान। नेक्स्ट आपके रूलर आते हैं बामनी साम्राज्य के, वो हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1397 से 1422 तक रहते हैं ये, ठीक है, ये सबसे विद्वान सुल्तान होते हैं, ये बामनी साम्राज्य के क्या होते हैं, सबसे विद्वान सुल्तान होते हैं। और इन्हीं के शासन काल में एक तरह से बोला जाए तो सबसे ज्यादा विदेशियों का आगमन हुआ। वो विदेशी कौन थे, वो विदेशी जो आए थे वो अफाकियों थे। ये अफाकियों वो लोग थे जो इराक, ईरान और अरब देश से आए थे। अफाकी वो लोग थे जो लोग ईरान और आपके इराक से और अरब देश से आए थे, और यही बाद में चलकर आपके जब भारत में बस जाते हैं तो इनकी गुटबंदी शुरू हो जाती है। आगे जब हम चल देखेंगे तो ये औरंगजेब के टाइम तक जाते जाते ये लोग मुगल दरबार में जब पहुंचते हैं तो इनकी गुटबंदी, मतलब ईरान का कोई है तो अपना सरदार और ईरानी लोगों को एक साथ गुट में कर लिया, आपका जो ईरान ईरान का है तो वो अपना अलग कर लिया, अरब के जो लोग हैं वो अपना गुट अलग बना लिए, तो ये गुटबंदी शुरू हो जाती है। जिसके इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगलों के पतन का एक मुख्य कारण ये गुटबंदी भी था कि जो दरबार में अलग अलग जगहों के लोग आकर अपनी अपनी सेनाओं से गुटबंदी कर लिए, और जब गुटबंदी होगा तो जानते ही हो क्या होगा कि दूसरे से जलस पैदा होगी, एक दूसरे से जलस पैदा होने लगेगी, और उस जलस पैदा होने के कारण कहीं ना कहीं विद्रोह होगा, और वो विद्रोह कहीं ना कहीं एक बड़े साम्राज्य को विघटन कर देगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। और यही होता है आगे चलकर, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ये गुट क्या करते हैं, एक दूसरे के जलन के कारण एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, और इसी तरह पूरा एक बड़ा साम्राज्य जो है छोटे छोटे प्रांतों में स्वतंत्र हो जाता है, जिसे हम कल के सेशन से देखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में कि ये लोग आ गए, और आने के बाद इनके जब इंडिया में ये लोग आ गए, इनको निमंत्रण दिया गया, बाहर से आए, विदेशी थे, तो यहाँ पे रहने वाले लोग और विदेशी आने वाले लोग से आज भी यही होता है कि कोई कुछ ऐसे देख लेते हो, कहीं कोई पाकिस्तान का तुम्हारे सामने आकर घूमना घूमने फिरने लगे तो उसको किस नजर से देखोगे, पक्का ये पहला तो आपका मानसिक स्थिति यही बोलेगा पाकिस्तान से आया आतंकवादी, ये तो पक्का ये मानसिक स्थिति आपकी बोलेगी। तो सेम कंडीशन हो गया, जब किसी विदेश का आदमी हमारे देश में आया तो वहां के जो लोग थे
वो अपना गुट अलग बना लिए और वो लोग भी क्योंकि उससे अलगा होने लगा, ठीक है, ये नहीं कि उनसे घुल मिल के रहे, तो उसी में आपके ये पूरा पूरा जो दरबार में एक दो गुट बन गए, और वो दो गुट ये थे कि एक साउथ में जितने लोग सरदार थे वो एक साथ हो गए, अरे ये कौन आ गया है यार, हमारे ऊपर बहुत दिक्कत होगी, ऐसा वैसा, मतलब सब लोग अपना सोचने लगे। उसी तरह एक अफ्रीकी लोगों के गुट बन गया कि जो बाहरी आए थे वो अपना गुट बना के चलाने लगे, और एक जो दक्कनी थे जो वहां से परमानेंट पहले से रखते थे साउथ में, वो अपना गुट अलग से बना के चलाने लगे। जिसके कारण इतिहासकार बोलते हैं कि बामनी साम्राज्य का मुख्य कारण था, इनके जो टूटने का कारण यही था कि इनमें क्या हो गई, गुटबंदी शुरू हो गई जो बाहरी लोग आए उनके और जो यहां पहले से अस्थाई रहते थे उनके बीच में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसने अपने जो है कहा जाए शासन काल में बहुत काम किए। जैसे पहला इसने क्या किया कि दौलताबाद में एक वेदशाला बनवाया, और उस वेदशाला में ये कई देशों से, जैसे मैंने बताया ना, इराक, ईरान, अरब देशों के विदेशी मुसलमानों को आमंत्रित किया, और वहां के प्रशासन में भी पद दिए थे, उच्च पद जो है प्रशासन में भी इसे दिए थे। इसी वजह से तो बाद में ये चल के और जो इनकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक, अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति, ठीक है, भीमा नदी के किनारे, ठीक, भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी। एक तो आपका फिरोजाबाद आपके यूपी में पड़ता है, लेकिन वो फिरोजाबाद नहीं है, हम बात कर रहे हैं साउथ की। बोलोगे सर फिरोजाबाद तो यूपी क्या है, नहीं, जब साउथ की बात कर रहे हैं तो ये फिरोजाबाद जो नगर है आपका कहां है, प्रेजेंट में कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये याद रखना। इसने क्या किया था, फिरोजाबाद नगर की जो है स्थापना किया था, किस नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगले हमारे जो शासक आते हैं वो आते हैं सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो 1422 से लेकर 1446 तक रहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो गुलबर्गा राजधानी थी जिसे शुरुआत में आपके कौन, हसन गंगू ने बनाया था, उसे ये क्या करते हैं, बदल देते हैं और बीदर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, बामनी साम्राज्य की इस न्यू राजधानी को क्या कहा गया, जो नई राजधानी बनी बीदर, इसको कहा गया मोहम्मदाबाद। क्या कहा गया बच्चों, मोहम्मदाबाद। तो नोट कर लेना, पहले गुलबर्गा थी जो उसकी मैंने राजधानी बताया बदल के रखा गया, दूसरी आपकी बीदर थी जिसका नाम रखा गया मोहम्मदाबाद। ठीक, वो आते हैं कौन, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। कौन, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय आते हैं, जो 36 से लेके 58 तक रहते हैं आपके। ठीक, इनके बारे में देख लें कि इनका क्या कार्य था इनका। ठीक है, ये आपके सुल्तान किसके, अलाउद्दीन अहमद अपने पिता अहमद प्रथम की भांति योग्य और संकल्प शासक थे। मतलब जैसे इनके पिताश्री थे, आप जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये, ठीक, अहमद प्रथम, वैसे ही ये भी सेम, इनमें भी वही सब लक्षण होते हैं। बाकी देख लेते हैं इनका काम धाम क्या रहता है, मेन तो हमें काम धाम से मतलब है, बाकी इनसे उतने ज्यादा डिटेल में देखना नहीं है। ठीक है, इन्हीं के शासन काल में बोला जाता है कि ये भी छोटे थे, तो उसमें जब अफ्रीकी आए, जो आपके ईरानी लोग और बाहर से आए, तो उसमें एक आया महमूद गवा, इसका जो है काफी रोल मिलता है। ये महमूद गवा जो है पहले तो ये व्यापारिक था, ठीक है, बाद में ये राजनीति में आ गया। ठीक, इसी काल में उड़ीसा के गजपति नरेश, जो इसी के शासन काल में उड़ीसा के जो राजा थे जिनका नाम था गजपति, साम्राज्य विस्तार करने के लिए, ठीक है, अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, दक्षिण की ओर आक्रमण करना शुरू किया, मतलब अपनी सीमा को दक्षिण की तरफ बढ़ाए। तो उसी समय क्या हुआ, बामनी साम्राज्य और गजपति की जो सेनाएं थी, बामनी के जो ये राजा थे, ठीक है, और गजपति की जो सेनाएं थी, इन्हीं के समय काल में इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, बोल सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, इसके अगला जो आपका आता है राजा, आता है वो हुमायूं। कौन आता है, हुमायूं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, जो अलाउद्दीन प्रथम थे उनकी मृत्यु के बाद, ये अलाउद्दीन अहमद द्वितीय थे, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, द्वितीय की मृत्यु के बाद इनका जो है लड़का आता है हुमायूं। और हुमायूं जो है बहुत, जैसे बोला जाए हुमायूं शासक जब बनता है, और इसे कहा जाता है ये हुमायूं जो बनता है, तो ये वहां के लोगों पर इतना अत्याचार करता है, इतना जालिम होता है
कि लोगों ने इसे निष्ठुर और जालिम राजा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? जालिम राजा की उपाधि दी थी। बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा ठीक है मिलता नहीं है कुछ। और इसी समय में, इसी के समय काल में क्या हुआ था, जो महमूद गवा अफीकी आया था वो प्रधानमंत्री बनाया गया था। मतलब अब ये राजनीति में, पहले तो व्यापारी था, अब ये राजनीति में एंट्री मार दिया था। और इसी का सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र कहा जाए निजामुद्दीन अहमद की आयु उस समय जो है सिर्फ 8 वर्ष थी, और इसी वजह से इसके संरक्षण के वजह से, इसकी मतलब एक तरह से बोले सुरक्षा के वजह से, इसके पिता ने जो हुमायूं था उसने क्या किया था कि एक प्रशासनिक परिषद बनाया था। क्या बनाया था कि एक बोला जाए इसके सुरक्षा के लिए 3-4 लोगों का एक गुट बनाया था प्रशासन का, कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आप लोग जो है इनके, किसके, निजामुद्दीन अहमद जब छोटे हैं तो वो राजा वही रहेंगे, मगर आप प्रशासनिक एक इकाई बना दिया, परिषद बना दिया, तो आप लोगों में से ही ये आप ही लोग जो होंगे 4 लोग वो प्रशासन को देखेंगे। ठीक, उसमें 4 लोगों में कौन था, जिसमें एक राजमाता थी, एक महमूद गवा था जो प्रधानमंत्री था, और सहित 4 व्यक्ति और थे। मतलब 4, 2, 6 लोग थे इस प्रशासनिक इकाई में। 6 लोगों को उसने नियुक्त किया था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो राजा तो हमारे सिर्फ कितने साल के हैं, बहुत कम उम्र के हैं, 8 वर्ष के हैं, तो इनसे तो शासन चलेगा नहीं, तो ये प्रशासनिक जो है परिषद रहेगी तो ये प्रशासन सुचारू रूप से चला सकेगी। अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं महमूद तृतीय के बारे में। ये महमूद तृतीय वही है जो इनके पुत्र थे, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद की आयु 8 वर्ष की थी, तो वही महमूद तृतीय आपके हैं। राज्यारोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष थी। 9 वर्ष के में ही इनका जो क्या हो जाता है, इन्हें राजा बना दिया जाता है, और इनके जो प्रधानमंत्री बनते हैं महमूद गवा बनते हैं। महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा जाता है, ठीक, ये भी याद रखना। गवा को किसके, ख्वाजा जहां की उपाधि से। ये ख्वाजा जहां आपके बोला जाए तो ये जौनपुर में जो MBT का टाइम था, तो जौनपुर में इन्होंने, ख्वाजा जहां जो पहले थे, इन्होंने सरकी वंश की स्थापना की थी, ठीक, ये याद रखना। अब आ जाते हैं इनके शासन काल में, क्योंकि ये सिर्फ राजा जो थे आपके वो 9 वर्ष के थे, तो महमूद गवा प्रधानमंत्री था, तो मेनली जो काम करने वाला था इसमें महमूद गवा था। यहां पे महमूद गवा ने अपने पावर को एक्सपेंड किया और बहमनी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, ठीक है, काफी बढ़ाया। और एक तरह से बोला जाए तो इसी के समय काल में बामनी साम्राज्य आपका था वो अपने उच्च स्तर पे पहुंच गया था, ठीक है, काफी विकास हुआ था उस साम्राज्य में बोला जाए तो। वो किसकी देन थी, महमूद गवा की देन थी, और वो एक अफीकी था जिसके कारण वहां के लोगों से जो है उनका जो है बैर शुरू होना लगा और लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। और राजा को जब उसके बारे में बताया गया, काम तो वो नेक कर रहा था, मगर जानते ही हो नेकी का जमाना नहीं होता था, चाहे आज चाहे कल आप बीते हुए पास्ट में जाओगे तभी भी, तो इसने साम्राज्य को बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंचाया था, लेकिन समय जो षड्यंत्र होता है, कुछ षड्यंत्रकारी नो मिलकर राजा के साथ मिलकर इसे फांसी की सजा दिलवा देते हैं, ठीक। तो ये इनके बारे में हो गया। इन्होंने पूरा का पूरा जो नया अपने समय में कई राज्य जीते थे, राज्य जीतने के बाद बामनी साम्राज्य जो पहले 4 में डिवाइड था उसे 8 में डिवाइड कर दिए, क्योंकि जो और जीता इसने उसको क्या किया, मिलाकर और पुराने वाले को जो प्रांत थे उनको मिला के 8 प्रांतों में इसे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और इसी के शासन काल में देखो मैंने बताया 8 प्रांतों में इसे डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से बरार, कगावेल और माहूर, गुलबर्गा, बीजापुर, दौलताबाद, ठीक, दौलताबाद एवं जुन्नार तथा तेलंगाना को राजमुंद्री, वारंगल के रूप में विभाजित किया गया, ठीक। इसमें हर एक पार्ट को 2-2 पार्ट में कर दिया गया, तो 4 के 2 डबल हो गए आपके, 8 पार्ट में इसके प्रांतों को इसने डिवाइड करके शासन किया। और जो जमीनें जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, खालसा भूमि के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था जब मैंने अलाउद्दीन खिलजी आपको पढ़ाया था, ठीक है। खालसा भूमि वो भूमि होती थी बच्चों कि जब किसी भूमि में कोई उपज नहीं करता था, इन द सेंस कि जब भूमि पड़ी है और वहां पे कोई किसान, मतलब उस भूमि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस केस में क्या होता था कि ये भूमि क्या है, किसे चली जाती थी, ये भूमि राजा के हाथों में चली जाती थी, जिसे हम खालसा भूमि भी कहते थे, ठीक है। तो यही हुआ कि इसके समय में कुछ जो है थोड़ी थोड़ी किसी भी राज्य की किसी भी प्रांत की जमीनें जो है
राजा मतलब इसके खुद के हाथ में खालसा भूमि में चली आई थी। इसके समय में जो है आपका बोला जाए सैनिक प्रशासन भी अच्छा खासा हो गया था, साहित्य में भी बढ़ोतरी हुई थी, मतलब एक तरह से बोला जाए कि एकदम बहुत अच्छे औहदे पर इसने बामनी साम्राज्य को पहुंचा दिया था। एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा काम किया था, ठीक साहित्य के फील्ड में किया था, आर्किटेक्चर के फील्ड में किया था, तो इसने हर फील्ड में अच्छा काम किया। लेकिन इसका जो अंत हुआ वो बहुत बुरा हुआ, इसे फंसा कर क्या कर दिया गया, इसे मृत्यु दंड दे दिया गया। और जब मृत्यु दंड दिया गया तभी से इसका क्या हो गया, बामनी साम्राज्य का जो एक तरह से बोला जाए विघटन शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। देखो महमूद गवा की मृत्यु के बाद दो दशक बाद मतलब 20 साल बाद, 10-10 साल के बाद, 20 साल बाद बामनी साम्राज्य जो है त्रियुगति से जो है कहा विघटन की तरफ अपने बढ़ने लगा। और सियाबुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में, किसके याद रखना, सियामुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में जो 82 से 18 तक थे, 1482 से लेकर 1518 तक के शासनकाल में थे, इन्हीं के शासनकाल में इसका जो है एक तरह से बोला जाए प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, ये जो लिखा है तरफदारों ने, तरफदारों का मतलब जो प्रांत के सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। जब किसी भी बड़े साम्राज्य में छोटे छोटे जो उसके पार्ट प्रांत होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर ले तो समझ लो वो साम्राज्य क्या है, अपने टूटने के जो है स्थिति में आ गया है, जैसे मुगल साम्राज्य के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत तक जो है लास्ट तक 15 सेंचुरी के बामनी साम्राज्य खंडित हो गया। कैसे हो गया देख लेते हैं। महमूद शाह उसके उत्तर अधिकारी एक तुका सरदार था। कौन था वो? विदेशी था तुका सरदार। वो सब कुछ जो शासन था वो तुका सरदार के हाथ में चल रहा था। और ये इतना मतलब बोला जाए लापरवाह इंसान था तुका सरदार, जिसका नाम था अमीर अली। ठीक है, और जितने भी राजा थे इसके हाथ की कठपुतली थी। तो इसने अपने मन का किया और पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इस वंश का अगर बोला जाए अंतिम सुल्तान, अगर आपसे पूछे बामनी साम्राज्य का, तो याद रखना कौन था, कलीमुल्ला शाह। कौन था? कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह जो थे आपके बामनी साम्राज्य के सबसे लास्ट रूलर थे। उसके बाद से ये साम्राज्य वजीरों के कारण, जो कठपुतलियों की तरह राजा को सुल्तानों को नचाते थे, उनके कारण क्या होता है 1527 में उसकी मृत्यु होने के बाद यह साम्राज्य पूरी तरह से टूट जाता है। और यह कैसे किस किस पार्ट में टूटता है, कौन कौन कहां का राजा बनता है, ये देख लेते हैं। ये पांच नवीन राजवंशों में टूटता है। ये पांच लोग जो थे अपना अलग अलग प्रांत लेके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और इसी तरह पूरा एक बड़ा सा बामनी साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में टूट जाता है। वो कौन था देख लो। पहला जो था आपका वो बीदर था। ये सब किसके अंतर्गत आता था? ये सब आपकी राजधानी थी बीदर। किसकी? बीजापुर की, उसकी आपकी बामनी साम्राज्य की। ठीक है, पहले आपकी गुलबर्गा बनी फिर बीदर बनी थी। इसे आपके बरीद शाही नाम से ही, जो बीदर है वो बरीद शाही क्या करते हैं इसको अलग करके यहां पर अपना स्वतंत्र राजा अपने आप को घोषित कर लेते हैं। बरार जो है उसका जो इमाद शाही, ठीक अहमदनगर का निजाम शाही राजा अपने आप को घोषित कर लेता है। और बीजापुर का जो है आदिल शाही जो है अपने आप को क्या कर लेता है, राजा घोषित कर लेता है। इसी तरह गोलकुंडा का जो है राजा बनता है वो कुतुब शाही बनता है। मतलब कि ये सभी जो है आपके किसमें, पूरे के पूरे पांच राज्यों में पूरा हमारा बामनी साम्राज्य टूट जाता है और सभी के राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। जो इमाद शाही थे और जो निजाम शाही थे, जो इमाद शाही कहाँ का था आपका, बरार का था, और अहमदनगर का जो निजाम शाही राजवंश था ये हिंदू से इस्लाम, ठीक है हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले क्या थे, साउथ के लोग थे। ये लोग हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे जो कहाँ के आपके, बरार के और अहमदनगर के राजा थे एक तरह से। अब आ जाते हैं जो छोटे छोटे आपके प्रांत टूटे उनके बारे में देख लेते हैं। अब बरार भी एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया था एक तरह से बोला जाए तो। ठीक, ये पहला ऐसा प्रांत था, स्वतंत्र राज्य था, साम्राज्य क्या बोलोगे, साम्राज्य से तो ये टूटा ही था। बामनी साम्राज्य से यह पहला ऐसा था जिसने अपना क्षेत्र अलग किया था, जिसे
फतहउल्लाह इमाद शाह जो हिंदू से मुसलमान था 1484 ईस्वी में, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर इमाद शाही वंश की, किसकी, इमाद शाही वंश की जो है स्थापना किया। और 1574 में यही बरार जो है आपका अहमदनगर के द्वारा हड़प लिया जाता है, ठीक है, जो पांच बामनी साम्राज्य के टूटने के बाद बने थे उनमें से जो बरार सबसे पहले अलग हुआ था, जिसे किसे फतहउल्लाह इमाद शाह ने किया था, वो बाद में चर के 1574 में जो राजनीतिक कारणों के कारण इसे अहमदनगर अपने में मिला लेता है, ठीक है। नेक्स्ट राज की बात कर लें तो अब आ जाते हैं बीदर पे। ये था अमीर अली बारिद ने बीदर को स्वतंत्र घोषित करके, कौन, अमीर अली बारिद ने बीदर को स्वतंत्र घोषित करके यहां पे बीदर शाही वंश की स्थापना की थी, जिसे हम बोला जाए दक्कन का या साउथ का लोमड़ी भी, इस राज्य को हम क्या कहते हैं, दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्कन की लोमड़ी जो है, यह राज कौन था आपका, बीदर था, जो 1618 या 19 के समय में इसे बीजापुर ने हड़प लिया था। यह 1618 और 19 के समय यह कहां चला गया आपका, जब आपके नॉर्थ में किसका राज था, 1618 में किसका राज था, 1606 में आपके अकबर की मृत्यु, आपका किसका राज था, जहांगीर का राज था आपके नॉर्थ में अगर देखा जाए, तो उस समय यह बीजापुर के द्वारा हड़प लिया जाता है। अगला हमारा है अहमदनगर, ठीक है। इस राज के संस्थापक थे मलिक अहमद, जो 1490 में उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके निजाम शाही वंश, किसकी, निजाम शाही वंश की स्थापना किया था। कौन था इसका अहमदनगर का मेन राजा, वो था मलिक अहमद, जिसने निजाम शाही वंश की स्थापना किया था, ठीक। यही था जो महमूद गवा को प्राण दंड देने के बाद मलिक अहमद ही बामनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त हुआ था, ठीक, इसी ने क्या किया था, इसको महमूद गवा को फांसी दिलवाई थी, ठीक। उसने निजाम मुल्क की उपाधि धारण की थी, इसने किसकी उपाधि धारण की थी, निजाम मुल्क की उपाधि धारण किया था, कौन, मलिक अहमद ने। आगे बढ़ जाते हैं, अहमदनगर के कुछ प्रमुख शासक थे, शासक जो थे वो निम्नलिखित थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कौन था, जो बना बुरहान निजाम शाही, एक तरह से निजाम शाह जो बना बुरहान निजाम शाह, ये मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका 7 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था बुरहान, ये शासक बना और सौभाग्य से उसे मुकम्मल खां, किसका, मुकम्मल खां एक जो है दक्षिणी, एक तरह से बोल सकते हो सैनिक था जो इनका प्रधानमंत्री, और बोला जाए तो बहुत ही क्या था, एक तरह से बहुत कुशल सेनापति था, इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया गया। इसने इसे, क्योंकि इसकी आयु कितनी थी, 7 साल थी, तो इसने इसे राजपाट चलाना जो है सिखाया था। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान पहला शासक था जिसने, बुरहान कौन था, पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की थी। ये आपसे अगर पूछता है कि अहमदनगर के शासन में कौन पहला शासक था जिसने क्या निजाम शाह की उपाधि धारण की थी, वो था बुरहान, ठीक। हुसैन निजाम शाह आते हैं उसके बाद 1562 में बीजापुर के आदि शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। 1562 में बीजापुर के आदिल शाह, ठीक, गोलकुंडा के इब्राहिम और कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय ने, ये सभी लोग मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण किए थे, लेकिन हुसैन निजाम शाह 1565 में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में शामिल था। ये कहने का मतलब कि सभी लोग इस पे क्या हुए, आक्रमण किए, ठीक, आक्रमण करने के बाद यहां कतलेआम मचा के चल दिए, और इसी का बदला लेने के लिए इसने 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध होता है, विजयनगर और बाकी जितने आपके दक्कन के सरदार होते हैं वो सब मिलके क्या विजयनगर पे आक्रमण करते हैं ना, तो उसमें ये भी शामिल था, ये भी अपना बदला विजयनगर से लिया था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, मुर्तजा निजाम शाह के बारे में देख लें, ये अगले आते हैं आपके रूलर। ये हुसैन निजाम शाह का उत्तराधिकारी था, इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना,
जो है, अगर बोला जाए अहमदनगर में पहली बार मुगलों ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था, तो मुर्तजा निजाम शाह था। कौन था? मुर्तजा निजाम शाह। पॉइंट नोट कर लेना कि मुगल शासक पहली बार अहमदनगर में आक्रमण किए, उस समय वहां के शासक थे मुर्तजा निजाम शाह। बात कर लेते हैं, इसी में आते हैं चांद बीबी। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था जब नॉर्थ में पढ़ा रहा था उस समय। इसका विवाह जो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से हुआ था, ठीक है, लेकिन इनके पति के मृत्यु होने के बाद बीजापुर में ये पुनः कहां चली आती है? अहमदनगर में चले आते हैं, ठीक। और अहमदनगर में चले आते हैं तो ये जो है अपना पूरा का पूरा राजनीति करने के लिए आती हैं। और इसी के कारण बुरहान की मृत्यु के बाद, जब बुरहान मरता है तो उसका पुत्र एक रहता है इब्राहिम को शासक बनाने के लिए, कौन, वहां का एक मंत्री जिसका नाम था मियां मज्जू, इसके समर्थन में रहता है कि ये इनके शासक बनेंगे। लेकिन दूसरे पक्ष में चांद बीबी वो अपने पक्ष के शासक को जो है सरदार बनाना चाहती थी, ठीक है, किसका, अहमदनगर का। लेकिन क्या हुआ, जब मियां मज्जू ने ये देखा कि मेरा जो है साथ, मेरे साथ वाले कमजोर पड़ रहे हैं, चांद बीबी स्ट्रांग हैं, उनकी सत्ता बन सकती है यहाँ पे अहमदनगर पे, तो इसने क्या किया मियां मज्जू ने, इसने अकबर से मदद मांग ली और अपने अकबर के पुत्र मुराद जो था उससे सहायता मांगा कि भैया तुम आओ और यहाँ पर देखो आक्रमण करो, नहीं तो सत्ता जो है हमारे हाथ से जो है क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, तो घंटा ले लेना, ठीक है। तो बस भैया मुराद तो वहां से चल देता है, भाई पैसा की जरूरत थी मुगल सेना को भी, वहां से पैसे आते थे अहमदनगर से, अहमदनगर को अकबर ने जीता था, मैंने बताया था ना कि अहमदनगर का किला कैसे उसने सोने के उससे खोला था, तो पैसा जहां से बनता है उसे कैसे किसी के हाथ में जाने देगा। तो उसी में आपका आगे चल के जो है मुराद आता है अपनी सेनाओं के साथ और अहमदनगर पर जो है प्रस्थान करता है, और चांद बीबी जो है अहमदनगर के जो है रक्षा करने के लिए काफी बहादुरी से लड़ती हैं। लेकिन और इसी यहीं पे क्या होता है, मुगलों की सेना और चांद बीबी की जो सेना थी अहमदनगर की, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, और इस समझौता में जो है मुगलों को बरार का क्षेत्र दे दिया जाता है। जो बरार को अहमदनगर ने अपने अंदर किया था, उस बरार को किसको दे दिया जाता है, मुराद को दे दिया जाता है कि भैया बरार आपके कंट्रोल में रहेगा, जो भी वहां से उपज, जो भी आपका कर होगा, सब कुछ आप लोगे, 100% अथॉरिटी आपकी रहेगी। अब बाकी इसके साथ तो समझौता हो ही जाता है अहमदनगर से कि कुछ पार्ट आप भी हमें दोगे, ठीक। तो यहां पे ये किसी तरह पूरी तरह अपने अहमदनगर को विध्वंस होने से बचा ले जाती हैं चांद बीबी। अब आ जाते हैं मलिक अंबर के बारे में। मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया था जब मैंने मलिक अंबर आपको पढ़ाया, कब जिक्र किया था, जब मैंने शाहजहां पढ़ाया था, ठीक है, आपका जब बोल सकते हो एक तरह से कि जब शाहजहां मैंने आपको पढ़ाया तो उस समय ये सब पूरा का पूरा इसके बारे में जिक्र किया कि इससे युद्ध होता है, आपका जो खुर्रम है वो जब दक्कन में युद्ध करने जाता है तो मलिक अंबर से ही भिड़ता है, ठीक। जहांगीर के शासन काल में खुसरो खुर्रम थे, तो खुसरो तो पहले विद्रोह कर दिया था, खुर्रम जब साउथ की तरफ जाता है तो मलिक अंबर से भिड़ता है। अहमदनगर की स्वतंत्रता के लेकर संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य में नायक बने कौन, मलिक अंबर। ये कहने को तो एक क्या कहते हैं, एक वजीर के पद पे थे, ठीक है, और ये कहां का था, ये अब्सिनियाई जो दास था, मतलब इथोपिया के साइड का ये था, ठीक, वहां से ये आया था और ये दास था, लेकिन दास्ता से ये मुक्त हो गया था और बोला जाए तो वहां पे ये अच्छे वजीर के पद पर था अहमदनगर में। और इसने क्या किया, सिर्फ मुर्तजा द्वितीय को एक तरह से सिर्फ राजा घोषित कर दिया था और सब कुछ अपने हाथों में रखा था। जब दक्कन की तरफ ये बढ़ते हैं, कौन, आपके शाहजहां, तो उनसे इनकी युद्ध होती है, काफी अपने राज्य को अच्छे मतलब पदवे पे ले गया रहता है, अच्छी ऊंचाइयों पर ले गया रहता है, ये जितना भी टोडरमल व्यवस्था था अकबर का उसे ही अपनाता है कर वसूलने के लिए, ठीक। तो जब इसका क्या होता है, इससे लड़ने के लिए मलिक अंबर से जो आपके आते हैं, कौन, शाहजहां आते हैं, और इनके बीच में मलिक अंबर और शाहजहां खुर्रम के बीच में इनके बीच में संधि होती है, ठीक। और उसी संधि के जब ये दक्कन में विजय प्राप्त कर लेते हैं खुर्रम, तो वहीं पे जहांगीर ने उन्हें क्या दिया था नाम, शाहजहां नाम दिया था, ठीक, यहीं पे जब मलिक अंबर से ये संधि कर लेते हैं तभी उनको नाम शाहजहां दिया गया था।
ठीक 1600-1721 में, देखो बोला ना 1721 में ये खुर्रम के हाथों पराजित होता है और इनके बीच में जो है समझौता हो जाता है लास्ट में, ये अंत में वहां तो समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है, तो वहां पे उनको शाहजहां नाम दिया गया। जब ये अपने शासन काल में आता है तो 1633 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। कब? 1633 में शाहजहां ने इसे पूरी तरह से अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आ जाते हैं हम बीजापुर के बारे में बात कर लेते हैं, इसका भी काफी रोल रहा है और एकदम लास्ट में औरंगजेब के समय में ये जाके बीजापुर मुगल साम्राज्य में जो है सम्मिलित हुआ था। ठीक, बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खां, कौन? यूसुफ आदिल खां ने 1489 और 90 के बीच में बोला जाता है बीजापुर को स्वतंत्र घोषित कर आदिल शाही वंश की स्थापना किया था। कौन था इसका संस्थापक? यूसुफ आदिल शाह। बच्चों याद रखना, नोट आउट कर लो पेन में, कब इसका हुआ था संस्थापक? 1489। क्योंकि मैं इस पे क्यों जोड़ दे रहा हूं, बीजापुर आपसे पूछ सकता हूं, बाकी पे तो उतना नहीं है, बरार बीदर इन सब का उतना रोल नहीं है। बीजापुर हुआ, अहमदनगर हुआ, जिसे आप नॉर्थ में भी पढ़ते आए हो कि जिससे काफी जुझारू युद्ध होते रहे, तो 1489 से 90 के बीच में अगर ऑप्शन जो आता है आप बीजापुर को स्वतंत्र घोषित किया और वहां पे जो वंश पहला हुआ वो कौन सा हुआ? आदिल शाही वंश हुआ। ठीक है, आदिल खान नाम था, अपने ही नाम से अपना वंश शुरू कर दिया आदिल शाही वंश। इसके प्रमुख जो सुल्तान थे उनके बारे में देख लें, तो पहला था आदिल खान। ठीक है, इससे बोला जाए एक शिया मुस्लिम था इसने, ठीक, और ये धार्मिक जो है बोला जाए उदार प्रवृत्ति का इंसान था, कला और साहित्य से इसे काफी प्रेम था, उसका संरक्षक करता था, ऐसा ये इंसान था। उसके बाद से अगला जो आते हैं इनके राजा वो आते हैं इब्राहिम आदिल शाह आते हैं, 1534 से आपके 1558 तक रहते हैं। इब्राहिम बीजापुर का पहला सुल्तान था, ठीक, जिसने, ये देखो, इब्राहिम बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने किसकी उपाधि ली थी? शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? शाह की। तो अगर आपसे पूछे कि बीजापुर का वो पहला शासक का नाम बताइए जिसने शाह की उपाधि धारण किया था, तो वो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह था। और इसने क्या किया था, जो फारसी इसने और फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया था, जो फारसी उस समय उससे पहले वहां पे राजभाषा थी उसे हटाकर हिंदवी को इसने अपनी राजभाषा जो है बनाया था। अगले इसके सुल्तान आते हैं वो आते हैं अली आदिल शाह, जो 1558 से लेके 80 तक राज करते हैं। ये इब्राहिम के बाद उसका पुत्र जो है अली आदिल शाह गद्दी पर बैठता है, उनके पुत्र थे इब्राहिम के। उसका विवाह जो है मैंने बताया अहमदनगर के किसके, हुसैन निजाम की पुत्री जो चांद बीबी थी, जब इनकी मृत्यु हो जाती है अली आदिल शाह की, तो ये चांद बीबी फिर से अहमदनगर वापस चली जाती है और यही जो है अकबर के बेटे मुराद से इनका जो भिड़ंत होता है और वहाँ समझौता होता है और जो है आपका बरार जो है किसे दे दिया जाता है, मुगलों को दे दिया जाता है। ठीक, तो यही चांद बीबी है, इनकी जो बीजापुर में शादी हुई जाती है किससे हुई जाती है? अली आदिल शाह से हुई होती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, देख लेना नाम सब एक ही जैसा है, कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो है आपके अली आदिल शाह, उसके बाद आगे लग गया इब्राहिम, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय दूसरे, कब से? 80 से लेकर 1627 तक। वह एक महान विद्या प्रेमी और विद्या संरक्षक था, ठीक है, इसे बोला जाए एक तरह से काफी विद्वान जो है राजा था ये। उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि दिया था, ये काफी एक तरह से बोला जाए अपने प्रजा के प्रति जो है उदार था, ये नहीं कि ये जो है एकदम धार्मिक हो जाए, इस्लाम धर्म का है तो सिर्फ बाकी हो, जैसे औरंगजेब हुआ, फिरोज शाह तुगलक हुआ, इन सब की तरह एकदम जो है टॉलरेंट इनटॉलरेंट नहीं था। ठीक, इसीलिए इसे जब उदार दृष्टिकोण का था तो वहां के लोग जो है इसे जगत गुरु का जो है उपाधि दिए थे और साथ ही साथ इसे क्या बोला गया था, अबला बाबा बोला गया था और निर्धनों का मित्र बोला गया था, ये याद रखना, ये सब टाइटल इन्हें बोला गया था। इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा, निर्धनों का मित्र और जगत के गुरु की उपाधि दी गई थी। इसी के काल में जो इनका जो शासन काल था मेन, तो एक तरह से बोला जाए जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, इनकी जो चाची कौन थी, चांद बीबी,
ठीक है, उनका मेन तरह से एक तरह से वास्तविक जो है शासक यही थी। सिर्फ नाम से वो गद्दी पर राजा बने थे, कौन? इब्राहिम आदिल शाह, लेकिन राज कर रही थी इनकी चाची जान, क्या नाम था उनका? चांद बीबी। ठीक, इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी बनता है। उसके मरने के बाद फिर मोहम्मद आदिल शाह गोल गुम्बद के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। याद रखना कि जो आपके मोहम्मद आदिल शाह हैं, जो इब्राहिम के पुत्र थे, ये जो है गोल गुम्बद के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो गोल गुम्बद है आपका मकबरा है वो किसका आपका बोला जाए तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, यहीं पे इन्हें दफनाया गया था। 1686 में बीजापुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में समाप्त हो गया जब उसे मुगल बादशाह, 1686 में बीजापुर का जो स्वतंत्र राज्य था उसका जो अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में बोला जाए अगर बाहमनी साम्राज्य का कोई पार्ट बचा था जिसे मुगलों ने मिलाया, वो कौन था आपका? ये था आपका बीजापुर था। 1686 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद से जो गोलकोंडा था उसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। ठीक, गोलकोंडा का मुस्लिम राज वारंगल के पुराने हिंदू राज के खंडहरों पर कायम हुआ। जो गोलकोंडा था जहां बसा है वो बोला जाए एंशियंट में, तो वहां पे प्राचीन काल में वो हिंदू साम्राज्य का एक जगह था, वहां खंडहर बन चुका था, वहीं पे इसकी नींव रखी गई। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का जो एक तरह से बोला जाए आगमन हुआ। जब गोलकुंडा बना, साम्राज्य एक तरह से बना वो, तो वहां पे पहला जो वंश आया वो कुतुब शाही वंश आया, जिसने के संस्थापक जो थे वो कुली शाह था। कौन था? कुली शाह। याद रखना गोलकुंडा में अगर आपसे बोला जाए जब स्वतंत्र हुआ गोलकुंडा, गोलकुंडा ऐसा नहीं पहली बार आया था, वो पहले से था, स्थान तो पहले से था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र कर लिया बामनी साम्राज्य से, तो वहां पे जो राजा बने वो बना कौन? कुली शाह। और किस वंश का उसने जो है स्थापित किया, कौन सा वंश स्थापित किया? तो वो था कुतुब शाही वंश। अपने नाम से ही लोग अपना वंश चलाने लगे। उसने 1512 से लेकर 18 में अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। ठीक, 12 से 18 के बीच में। गोलकुंडा के प्रमुख शासक देख लें तो इब्राहिम आते हैं, 1550 से 1580 के बीच में ये रहते हैं। गोलकुंडा के सल्तनों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? कुतुब शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था गोलकुंडा का? वो था इब्राहिम। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं कौन? मोहम्मद कुली। कौन आते हैं? मोहम्मद कुली 80 से लेकर 1612 तक रहते हैं। ये हैदराबाद नगर का संस्थापक था। जो आप प्रेजेंट में हैदराबाद जानते हो वो सिटी को स्थापित करने वाला कौन था? मोहम्मद कुली था। कौन था? मोहम्मद कुली, ये याद रखना इसके बारे में। 1687 में औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस पर भी आपके 86 में आपका उस पर किया था, किस पे? आपका बीजापुर पे, और 87 पर गोलकुंडा पर, क्योंकि औरंगजेब का इन दोनों के बीच हमेशा लड़ा रहा। जब मैं पढ़ा रहा था आपका कि जब साउथ में आक्रमण होता है तो एक तो मराठा तंग करते हैं औरंगजेब को, दूसरे आपके बीजापुर और गोलकुंडा वाले, तो ये पहले सोचता है कि इनको जीत लें और इनके सहायता से हम क्या करेंगे, मराठों को दबा ले जाएंगे। लेकिन क्या होता, पहले ये शिवाजी बीच में पड़ जाते हैं तो उनको क्या करता है, जेल में बंद करता है। उसके बाद से उनके सैनिकों के साथ पहले तो संधि जो पुरंदर की होती है उसमें यही कहा जाता है हमारा उनके साथ कि भैया शिवाजी आप हमें बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने में मदद करेंगे। वो मान भी जाते हैं, लेकिन जब दरबार में पहुंचते हैं आगरा तो उन्हें सम्मान नहीं प्राप्त होता है, तो बस खौरिया जाते हैं औरंगजेब पे। और जब औरंगजेब पे कोई खौरिया जाता तो कहता है अच्छा अब तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है, निकालना है, ले जाके अंदर डाल देता है जेल में। और जब मराठा के सरदार ही अंदर हो गए तो अब कोई उनके जो है रोकने वाला था ही नहीं। औरंगजेब ने पूरी पूरी सेना लेकर गोलकुंडा आपका महाराज आपका पूरा मराठा साम्राज्य और पूरा बीजापुर साम्राज्य जो है अपने में मिला लेता है। तो 87 में इसका भी जो है खेल खत्म कर देता है आपका कौन? औरंगजेब। इस तरह से बोला जाए तो कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी गोलकुंडा, वो किस सिर्फ दो कारणों से जाने चाहती थी। एक तो पहले
हीरा का व्यापार जो है, यहां से हीरा का व्यापार काफी होता था। और यहां पे एक प्रसिद्ध जो है बोला जाए क्या है, बंदरगाह है, जहां से व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता था गोलकुंडा। कौन सा था वो? मछलीपट्टनम था। ठीक है, इसीलिए जो है औरंगजेब इन दोनों चीजों के कारण, क्योंकि हीरा, हीरो का एक तरह से बोला जाए अच्छा खासा बाजार था। और वो किस कारण था? क्योंकि वो इस बंदरगाह के समीप था और यहां से लोग अरब से, ईरान से, जहां से लोग आते थे, इसी कारण यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसीलिए औरंगजेब ने इसे ले लिया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम देख लेते हैं खानदेश। ये छोटा सा आपका मैंने दिखाया था आपको, सबसे ऊपर महाराष्ट्र के साइड में खानदेश था आपका। खानदेश जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के स्वतंत्र मुस्लिम जो राज्य के संस्थापक थे वो थे मलिक राजा फारूकी। ठीक है, कौन थे? फारूकी। यहाँ के आपके जो खानदेश के जो है राजा बोले जाए वो कौन था? मलिक राजा फारूकी, जो 1399 में, ये याद रखना मैंने इसको सबसे लास्ट में डाल दिया है, लेकिन सबसे पहले 1399 में ये स्वतंत्र हुआ था खानदेश। ठीक, ये आपका उसमें नहीं था, खानदेश जो था आपका बामनी साम्राज्य में नहीं था, ये अलग से छोटा सा था, तो मैंने इसे भी इंक्लूड करके आपको आज समाप्ति कर दूं। ठीक, मलिक राजा फारूकी वंश के जो है नाम से इस वंश का नाम फारूकी वंश पड़ा। कौन सा वंश पड़ा? फारूकी वंश, उन्हीं के नाम पे जितने आए सब अपने नाम से अपना वंश चलाए हैं। तो फारूकी वंश जो है आपका पहला वंश था खानदेश जो है प्रांत का। खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। क्या थी? याद रखना, बस यही सब चीजें याद करने लायक है। खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर तथा असीरगढ़ का किला। ठीक, बोला जाए असीरगढ़ के किला के बारे में बोला जाता है ये बहुत स्ट्रांग था, सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे हमले अगर हों तो बहुत जल्दी जो है आक्रमणकारी इस किले में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए ये यहाँ का जो असीरगढ़ का किला था ये इम्पोर्टेंट है। इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए कौन? सबसे महान शासक बोला जाए तो आदिल खान द्वितीय। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, क्योंकि आता है आपसे कभी कभी कि फला वंश के, जैसे कौन सा है? खानदेश। खानदेश में फारूकी वंश, फारूकी वंश के जो आपसे बोला जाए सबसे महान शासक कौन थे तो कौन था? आदिल खान द्वितीय था। याद रखना, इस वंश के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि धारण की थी। ये भी एक पॉइंट है आपसे याद करने लायक, इस वंश के खानदेश के जितने भी शासक बने वो सभी ने अपने नाम के पीछे खान लगाया, जिसे बाद में इस खान देश को क्या कहा गया? खानों का देश कहा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्या? खान देश। ठीक है, फारूकी साम्राज्य का नाम जो था मेनली क्या था है? कि सभी राजाओं ने अपने नाम के पीछे खान लगाया था, जिसके कारण इसे बोला गया खानों का देश, जिसे बाद में ये चलकर क्या हो गया? खान देश। ठीक है, 1601 में ये आपके अकबर के समय में, 1601 में अकबर के समय में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, बाकी आपको मैंने बताया जो बीजापुर था, और बीजापुर के बाद आपका कौन सा? गोलकुंडा था। 86 में बीजापुर सम्मिलित हो गया, 87 में आपका कौन हो गया? गोलकुंडा हो गया, लेकिन ये बहुत पहले का था खानदेश। खानदेश को अकबर ने ही अपने में सम्मिलित कर लिया था। अकबर की सेना खानदेश पर आक्रमण की थी, फिर अहमदनगर पर बढ़ी थी, ये सब मैंने पढ़ाया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये चैप्टर देखने की अगर जितनी जरूरत थी मैंने सब पढ़ा दिया था उसी समय जब सभी चैप्टर मैं करा रहा था, क्योंकि सभी लोग आक्रमण करने जाते थे साउथ में, तो मैं उस पॉइंट को वहां आपका कवर कराया था कि जहां से आपके क्वेश्चन पूछ सके थे, लेकिन मैं लास्ट में सोचा कि चलो साउथ के बारे में थोड़ा सा सभी को एक साथ मिलाकर बता दिया जाए। तो आपका वही एक खानदेश है जहां 1601 में अकबर ने आक्रमण किया और अपने में मुगल साम्राज्य में इसे मिला लिया। तो ये बच्चों ये पूरा हो गया आपका साउथ का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप लोग, मैं जान रहा हूं इतना जल्दी आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि साउथ की हैं चीजें जो आपके नॉर्मल टच में नहीं रहती हैं, और इसलिए नहीं रहती क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नॉर्मल तरीके से देखा जाए किसी एग्जाम में उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, मगर खुदा ना खास्ता एग्जामिनर का आपका जो क्या हो जाए, मूड घूम जाए और कभी पूछ ही ले क्वेश्चन, तो ऐसा ना रहे कि छूट जाए कोई पॉइंट, इसलिए मैंने आपको ये कवर करा दिया। आप यहाँ से जो
जहां जहां मैंने सर्किल किया, जिस जिस पॉइंट पर आपसे बोला कि ये इंपॉर्टेंट है इसे नोट कर लेना, उस पॉइंट को आप अपने पेन पेपर लेके जो बैठे हो उस पर नोट करते जाना, क्योंकि वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहां से उठा सकता है। बाकी जो ज्यादा डिटेल है इन सब राजाओं के ज्यादा नाम, उनको नहीं याद रखना है। मेनली जो जिनको कुछ उपाधियां दी गई, जो पहले हर एक प्रांत के जो राजवंश हुए, जिनके संस्थापक हुए, ये पॉइंट याद करने लायक है। तो आप लोग बस जितने भी साम्राज्य इंडिपेंडेंट हुए बामनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए, उन सब के राजा कौन थे, संस्थापक कौन थे, और कौन सा वंश जो है उनका पहला था, कौन सा फेमस राजा था, सिर्फ ये याद रखना। ठीक, तो अब अगला सेशन जो हमारा होगा वो होगा, अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत होगी। बोलोगे सर रोज आप कहते रहते हो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी, कब शुरू करेंगे? अरे यही सब बचा था तो मैं सोचा चलो ये सब खत्म कर ले। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से कल का सेशन में स्टार्ट होगा। तो कल का सेशन मजेदार होने वाला है, आप लोग आइएगा और उसे अटेंड करिएगा। तब तक के लिए सभी लोग इस लेक्चर को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।